Good morning, children. Today we are going to do revision of textbook, page number 53, and next page also. See, first is question number 1. Which early methods of communication would you use to send messages across long distances? Give one reason for your answer. I would like to use smoke signals and drum beat because smoke signals can be seen from far and sound of drum beat could be heard far away. बच्चों देखो कौन सा अर्ली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तुमको अच्छा लगता है? तो स्मोक सिग्नल और ड्रम बीट, क्योंकि स्मोक से धुआं दूर से दिखता है एंड ड्रम बीट ऑल्सो वी कैन हियर फ्रॉम फार. वाई डिड अर्ली पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग फार अवे? सी बच्चो, बिकॉज देर वेर नो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल and there were no modern means of communication like mobile phones and emails. अब early people को ये difficult क्यों लगता था communicate करने का? क्योंकि वहाँ पे पहले के ज़माने में means of communication भी proper means of communication भी नहीं था और travelling के लिए भी कुछ नहीं था. So मोबाइल फोन्स भी नहीं थे और ईमेल्स भी नहीं थे, इसलिए दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट द पीपल हु लिव्स वेरी फार. ट्रू और फॉल्स? नाउ इन द अर्लियर टाइम्स पीपल यूज पिजन्स टू सेंड मैसेजेस. इट इज ट्रू, अर्लियर टाइम में पीपल पिजन से मैसेज देते थे. ड्राइड रोज पेटल्स वी यूज टू राइट स्टोरीज. रोज पेटल्स स्टोरी लिखने के लिए यूज नहीं होता था बच्चों, बट पाम लीव्स. सो इट इज स्मोक सिग्नल्स एंड ड्रम्स वेर यूज टू सिग्निफाई विक्ट्री और डेंजर. जब कहाँ पे भी विक्ट्री या डेंजर कुछ भी होता था तो स्मोक और ड्रम बीट यूज होते थे. सो इट इज ट्रू. लॉन्ग मैसेजेस वेर सेंड थ्रू मैसेंजर्स इन अर्लियर टाइम्स. अब जो लंबा मैसेज था वो अर्लियर टाइम में हॉर्स राइडिंग से मैसेंजर्स अपना मैसेज देने के लिए जाते थे. नाउ बच्चों विल गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56. हाउ कैन वी सेंड मनी टू समवन थ्रू पोस्ट? अब किसी को मनी देना है पोस्ट में तो हम कैसे देते थे? वी कैन सेंड मनी टू समवन बाय अ मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट. मनी ऑर्डर से मनी भेजते थे. व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट राइट द एड्रेस ऑन अ लेटर दैट वी नीड टू पोस्ट? अब जो लेटर हमको पोस्ट करना है उसके ऊपर हम एड्रेस नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? If we do not write address on the letter that we need to post, the postman will not know where to deliver it and hence the letter will not reach its destination. अब बच्चों हम एड्रेस नहीं लिखेंगे तो पोस्टमैन को कहाँ से पता चलेगा कि ये कहाँ का लेटर है, किसका लेटर है? तो वो सही जगह पे लेटर पहुँचा नहीं सकता है. अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको लेटर भेजना है वो जगह पे लेटर नहीं पहुंचता है. अब ब्लैंक से बच्चों, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू राइट द एड्रेस ऑफ द प्लेस टू सेंड ए लेटर. अब कोई भी जगह पे हमको लेटर भेजना है तो वहाँ पे एड्रेस लिखना जरूरी है. अ पिन इज अ 6-digit number. पिन क्या है? पिन 6-digit का नंबर है. अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू अवर होम. हमारे होम पे लेटर कौन डिलीवर करता है? पोस्टमैन. अ स्टैम्प इज पेस्टेड ऑन एन एनवलप बिफोर पोस्टिंग इट. कोई भी एनवलप पोस्ट करने से पहले उसके ऊपर स्टैम्प लगाना जरूरी है. अब बच्चों नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है,
How is sending a message using a fax machine different from sending an SMS? अब मैसेज फैक्स मशीन से भेजना और SMS ये दोनों का डिफरेंस क्या है? फैक्स मशीन cannot be carried everywhere and we can send letters and official documents. और फैक्स मशीन जो होता है वो बड़ा होता है, वो हम सब जगह पे साथ में लेके नहीं जा सकते. बट SMS is sent through mobile phone. SMS जो है वो मोबाइल फोन से हम कर सकते हैं. वी कैन कैरी मोबाइल फोन वेर एवर वी कैन गो वी कैन टेक इट टूगेदर. बट फैक्स मशीन वी कैंट कैरी विद अस, इट इज बिग मशीन सो वी कैंट टेक इट विथ अस. बट मोबाइल फोन इट इज इजी टू कैरी विथ अस. नाउ व्हाट डज द वर्ड न्यूज स्टैंड फॉर? अ वर्ड न्यूज किसके लिए है? द वर्ड न्यूज स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड south, N for north, E for east, W for west and S for south. Now fill in the blanks. The mobile phone can be used to speak to people living in different places. Mobile phone से हम जो लोग दूर रहते हैं उसके साथ बातें कर सकते हैं. We can send messages over the email using a computer. अब हम message छोड़ सकते हैं mail से, but we need computer. Newspapers and radio are modes of mass communication. अब बच्चों mass communication में एक साथ किसी को message मिलता है उसको बोलते हैं mass communication. Artificial satellites transmit television programs across the world. अब artificial satellite है वो क्या करता है? Television program पूरे world में transmit करता है. We can use mobile phones to send messages using SMS. SMS का full form है short messages service. Now next is true or false. Artificial satellites rotate around the earth. Artificial satellite जो है वो पूरे earth में rotate होता है, so it is true. Radio and television programs entertain us. Radio और television का program हमको एंजॉयमेंट कराता है, तो इट इज ट्रू. कंप्यूटर्स हैव मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड फास्टर. अब कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन इजी भी हो गया है और फास्ट भी हो गया है, सो इट इज ट्रू. वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कर सकते हैं, तो इट इज फॉल्स. We can do it by computer using net connection. Then next is बच्चों chapter number 6. See here, fill in the blanks. The earth is also known as the blue planet. Earth को blue planet बोलते हैं. A hill is higher than the surrounding land. हील जो है उनका सराउंडिंग लैंड है उससे हाई होता है. अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड. डेजर्ट क्या है? लार्ज एरिया जो सैंड से कवर्ड होता है. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर लैंड एंड एयर अराउंड अस. अर्थ को क्या क्या अर्थ कंसिस्ट करता है? वाटर लैंड और एयर. देर आर वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सच एज प्लेन्स हिल्स एंड माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. देन है ओशियंस सीज रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स एंड पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज. दीज ऑल आर वाटर बॉडीज. नाउ नेक्स्ट इज बच्चों नेक्स्ट पेज चैप्टर नंबर 6 का ही है अनस्क्रैबल वर्ड. अब एल पी एन ए टी ई तो प्लेनेट पी एल ए एन ए टी प्लेनेट उल्टा पुल्टा वर्ड है उसको करेक्ट वर्ड बनाना है. वाई के एम एल आई डब्ल्यू वाई ए तो मिल्की वे एम आई एल के वाई डब्ल्यू ए वाई.
Jupiter, P-I-J-T-U-E-R, J-U-P-I-T-E-R, Jupiter. Y-X-G-L-A-A, तो गैलेक्सी, G-A-L-A-X-Y, गैलेक्सी. Then O-C-N-T-L-L-E-A-S-A-N-I-T-O, तो कॉन्स्टिलेशन, C-O-N-S-T-E-L-L-A-T-I-O-N. Now next year, write the names of any five planets in our solar system. कोई भी five planets हमारे solar system के five planets के name लिखना है. Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn, कोई भी five के name लिखो. There are eight planets in our solar system. हमारे solar system में total eight planets है. कितने planets है? Eight. The ball-like objects moving around the sun are called planets. जो बॉल जैसा ऑब्जेक्ट है हमारे सन के आजू बाजू घूमता है उसको बोलते हैं planets. A group of stars that forms a recognizable shape in the sky is known as constellation. जो group of stars है daily semi shape में होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. अब उसके बाद है बच्चों, ये वाले मैंने करवाया है आपको, ऑब्जर्वेशन रीडर है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बॉड, डी फॉर ट्रॉली है, ई फॉर कार है, ए फॉर फिश. वो पिक्चर को देख के हमको ये नीचे का बनाना है. एप्पल तो ए, फिर ए डाइस है तो डाइस कहाँ पे है, एस, तो एस. फिर बैट तो टी पे है तो टी. बैग आर पे है तो आर. फिर डॉग, डॉग कहाँ पे है, ओ पे है तो ओ. फिर ये पिग, पिग कहाँ पे है, एन, तो एन. फिर वापस एप्पल. फिर ये फिश कहाँ पे है, तो यू पे है, फिश. देन अगेन टी, बैट से टी. तो ऐसे ये एक्सरसाइज मैंने एक बच्चों आपको करवाया है, पिक्चर देख के वर्ड बनाना है. तो ये पिक्चर देख के ये वर्ड बनाना इतना जरूरी है. अब है नेक्स्ट, यहाँ पे है बच्चों देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्पेस सूट. स्पेस सूट का इम्पोर्टेंट क्या है. स्पेस सूट इज अ स्पेशल ड्रेस वॉर्न बाय एन एस्ट्रोनॉट व्हाइल ट्रैवलिंग टू स्पेस. उनको स्पेस में जाने के टाइम ये स्पेस सूट पहनना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन गैस होता है. ये ऑक्सीजन गैस से उनको हवा मिलती है, क्योंकि स्काई में जैसे आप जाते हैं वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होता है. सो दिस ड्रेस कंटेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर विद इट, सो इट इज कंपल्सरी टू वियर द स्पेस सूट्स. स्टेट डिफरेंस बिटवीन स्पेस क्राफ्ट एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्पेस क्राफ्ट क्या है और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्पेस क्राफ्ट जो है वो एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तब जाने का व्हीकल है, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. वो हम कोई भी किधर भी लेके जा सकते हैं. अब बच्चों ये ट्रू और फॉल्स है. एस्ट्रोनॉट रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग टू गो टू स्पेस, सो इट इज ट्रू. एस्ट्रोनॉट को स्पेशल ट्रेनिंग मिला जाता है स्पेस में जाने के लिए. एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. एस्ट्रोनॉमी क्या है, वो स्टडी स्टार्स के बारे में स्टडी करना और सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करना, सो इट इज ट्रू. इट इज सेफ टू स्टेप आउटसाइड अ स्पेस क्राफ्ट विदाउट ए स्पेस सूट. अब स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए स्पेस सूट बिना जाएंगे तो इट इज सेफ. नो, इट इज नॉट सेफ, इट इज अनसेफ. सो दिस विल बी फॉल्स. सो बच्चों, जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई ये चैप्टर 5 और 6 का रिवीजन, वो सब आपको याद करना है अपने PA2 के एग्जाम के लिए. दो चैप्टर है 5 और 6. थैंक यू चिल्ड्रन.